राम मंदिर चंदा विवाद पर आप सांसद संजय सिंह ने लगाया घर पर हमले का आरोप, बोले प्रभु श्री राम के नाम पर चोरी बर्दाश्त नहीं। अम्बेडकर नगर में हल्की बारिश में जलमग्न हुआ शहर, नगरपालिका सफाई की खुली पोल, नाला व नालियों के चौक की वजह से बरसात का पानी मुख्य सड़क पर, लोगों को आवागमन में परेशानी का करना पड़ा सामना। चुनाव से पहले बीएसपी को लग सकता है बड़ा झटका, समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं 9 विधायक, थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव से मुलाकात की है। शाहबाद में कक्षा 3 की छात्रा अविका श्रीवास्तव ने इलाके का नाम किया रोशन, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए कर रही है मेहनत। कोरोना की बेकाबू रफ्तार पर ब्रेक, लेकिन लोगों को रहना होगा शर्तों पर, क्योंकि हिंदुस्तान अभी भी वैक्सीनेट हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवी भारती समाचार, आपके साथ मैं हूं वर्षा वर्मा। बेलगाम शहर में कानून व्यवस्था विभाग की पुलिस उपायुक्त डॉक्टर विक्रम आमटे के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने आधी रात को मौके पर छापेमारी कर पुलिस ने 18 जुआरियों को गिरफ्तार किया। जुआरियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 1,33,000 रुपए नकदी, एक दोपहिया बाइक और 18 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस आयुक्त डॉक्टर विक्रम आमटे ने बेलगाम शहर के खंजर गली में चले जुआ अड्डे पर छापा मारकर ऑपरेशन को अंजाम दिया। कर्नाटक पुलिस अधिनियम के तहत मार्केट पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया है। लॉकडाउन के दौरान जुआ खेलना भी कोरोना संक्रमण रोग अधिनियम के तहत अपराध बताया गया है। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी से बेलहोगल में कांग्रेसी भड़क उठे। बेलहोगल में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शोभा कुरवटी के नेतृत्व में महिला कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंप और अपने अपने आवास पर सरकार के खिलाफ धरना दिया है, और बेलहोगल में कांग्रेसियों ने पेट्रोल पंप के सामने हाथों में पोस्टर लेकर शहर के पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन किया है। ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದವರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ರೇಟ್, ಆಮೇಲೆ ಅಡಿಗೆ ಹಾಕು ಎಣ್ಣೆ 85 ಇದ್ದಿತ್ತು, ಇವತ್ತು 185 ಆಗೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ರೇಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ 499 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಅದು 850 ಬಂದು ತಲುಪೈತಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಇದು ಕೋವಿಡ್ ಮಹಾಮಾರಿ ರೋಗದಿಂದ ಜನ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನ್ನ ನೀರ ಇಲ್ಲ ಸಾಯಕತ್ಯಾರ. ಇಂಥ ಟೈಮ್ನಾಗ ಇದನ್ನ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದವರು ಬಡವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೋವಾಗೈತಿ, ಆ ನೋವಿನ ಮೇಲೆ ಬರ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿದಾರು. ಹೋದ ಸತಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹೋದ ಸತಿ ಹೂವು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ರೈತರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈ ಸತಿ ಆದರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದಿಂದ ನಾನು ಆಗ್ರಹಿಸ್ತೀನಿ. ದೆಹಲಿ ಸಿ ಎಂ ಅವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು, ನಾನಾ ರೀತಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಅದೇ ರೀತಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಮಗೂ ತಂದು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹಿಸ್ತೇನೆ. महामारी कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए कर्नाटक में करीब 2 महीने से पूरे बंद के बाद राज्य सरकार ने दावणगेरे सहित 19 अन्य जिलों में 14 जून सुबह से लॉकडाउन प्रतिबंधों को कम करने का फैसला किया है। इसके साथ ही सरकार ने शेष 11 जिलों में 21 जून तक सख्त तालाबंदी जारी रखने का फैसला किया है, क्योंकि उन क्षेत्रों में कोविड संक्रमितों की संख्या में कमी नहीं आई है। इन जिलों में बैंक और ऑटो रिक्शा का संचालन राज्य सरकार ने नए नियमों के अनुसार 20 जिलों के रियायतों में कैब और ऑटो रिक्शा का संचालन प्रति सवारी अधिकतम 2 यात्रियों के साथ सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच आवश्यक दुकानें खोलें। पार्क सुबह 5 बजे से 10 बजे तक खुले रहे। हालांकि सरकार ने राज्य में शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रखने का फैसला किया। 20 जिलों में आगामी सोमवार से तालाबंदी में ढील दी गई है। साप्ताहिक कर्फ्यू शुक्रवार शाम 7 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा।
कोरोना की दूसरी लहर में स्थिति भयानक होती जा रही है। एक तरफ संक्रमण बढ़ने से मौतें बढ़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ लोगों का रोजगार ठप होने से रोजी रोटी का संकट गहरा होता जा रहा है। विजयपुर के 8,000 से अधिक ऑटो रिक्शा के पहिए लॉकडाउन में थम गए हैं। प्रशासन ने उन्हें चलाने पर रोक लगाई हुई है। ऐसे में विजयपुर ऑटो रिक्शा यूनियन ने ऑटो चलाने की मांग उठाई है। इसके लिए यूनियन के अध्यक्ष मेहमत गुलाब भंडारी के नेतृत्व में ऑटो रिक्शा चालकों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ऑटो चलाने की मांग की, लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से उन्हें कोई राहत नहीं मिल पाई है। यूनियन प्रधान ने कहा कि प्रशासन भले ही 2 सवारी की लिमिट में ऑटो चलवा दे, कम से कम 2 वक्त की रोटी का तो ऑटो रिक्शा चालक बंदोबस्त कर पाएंगे। उन्होंने प्रशासन से ऑटो रिक्शा चालकों की आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए उन्हें ऑटो चलाने की अनुमति देने की मांग की है। मैं डिस्ट्रिक्ट ऑटो रिक्शा यूनियन प्रेसिडेंट मोहम्मद गुलाब भंडारी आज DC ऑफिस में आके यह मुख्यमंत्री जो पैकेज दे रहे हैं वो ऑटो रिक्शा वालों के लिए जो है बैच वालों के लिए उतना ही दे रहे हैं। वो बैच वाले जिनके बैच नहीं है ऐसे लोगों को भी पैकेज देने के लिए मैं उनको मेमोरेंडम दे रहा हूँ जिलाधिकारी के मुखांतर मेमोरेंडम उनको दे रहा हूँ मैं, तो उसके बारे में ज़रा वो सोच समझ के, क्योंकि अभी जिनका बैच नहीं है वो भी लोग इंसान हैं और लॉकडाउन में उनको भी प्रॉब्लम हुई है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो है वो बैच नहीं से लोगों को भी उन्हों पैकेज की घोषणा करना, ये हमारी तरफ से कड़कड़ी की विनती है उनको। और दूसरी बात बोले तो बैंक के जो जिनके इंस्टॉलमेंट वगैरह है वो 1-2 महीने उनको आगे अगर ये करे पोस्टपोन करे तो अच्छा होता है, क्योंकि जो प्राइवेट वाले जो लोग हैं वो फ़ोन पे करो ये करो करके बोलते हैं, वो फ़ोन पे वगैरह अभी उनके पास पैसे रहेंगे तो भरेंगे ना जाके खाते में, लेकिन पैसे नहीं रहने की वजह से क्या है 1-2 महीने उनको टाइम दो, टाइम दे के क्या है ये जो परिहार धन जो दे रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो विदाउट बैच वालों को भी दो, ऑटो रिक्शा वालों को और LME कैब वालों को, और ये हमारे मीडिया वाले मित्र जो हैं इनको भी इसमें COVID-19 में इनका भी सब खत्म हो गया है, इनका भी कोई अर्निंग मनी का ये हिसाब नहीं है, तो उनको भी जो है वो पैकेज के हिसाब से उनको भी मीडिया मित्र लोगों को भी पैकेज का ये थोड़ा सा उनके भी बारे में सोचे तो गवर्नमेंट सोचे तो अच्छी बात है। मेरा नाम मोहम्मद गुलाब भंडारी, डिस्ट्रिक्ट ऑटो रिक्शा यूनियन प्रेसिडेंट। कर्नाटक राज्य में गत वर्ष की मांग को देखते हुए पहले से ही मांग से अधिक खाद का भंडारण सुनिश्चित किया गया है। इस कारण राज्य में खाद नहीं मिलने की कोई शिकायत नहीं है। कृषि मंत्री BC पाटिल ने ये बात कही है। उन्होंने रविवार को कहा कि सभी कोलार जिलों में अच्छी बारिश के कारण बुवाई का कार्य चल रहा है। जिलों में 90% से अधिक बुवाई पूरी हो गई है। कृषि मंत्री BC पाटिल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कई जिलों में अगस्त के दूसरे सप्ताह तक बुवाई होने के कारण वहां यूरिया समेत खाद तथा बीज का पर्याप्त भंडारण किया गया है। कोरोना संक्रमण का कृषि संबंधित गतिविधियों पर कोई असर नहीं हुआ है। कर्नाटक के विभिन्न जिलों के किसान संपर्क केंद्रों में 52,110 क्विंटल बीज का भंडारण किया गया है। इस वर्ष 71 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुवाई का लक्ष्य निर्धारित किया है। कृषि मंत्री BC पाटिल ने कहा ಅದ್ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಅರುಣ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು, ನಿನ್ನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು 2 ವರ್ಷ ನಾನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು 2 ವರ್ಷ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತಾರೆ, ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆ ಕೂಡ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡತ್ವದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಪೆಟ್ರೋಲು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ 70 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು $70ಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾರಲ್, ಹೊರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಡಳಿತ ಇರೋಂಥ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಇಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕಲ್ಲ. ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ BJP ಜನತಾದಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆ. ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಕೇವಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।